मैं ओम प्रकाश आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ दूसरे दुनिया के रहस्यों के बारे में। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है तो इसे दो तरफा होना चाहिए, अर्थात इस जगह से व्यक्ति दूसरे लोक पहुंचता है तो दूसरी विश्व में इस संसार में आगमन की घटनाएं भी होनी चाहिए। ऐसे ही एक अद्भुत प्रसंग की चर्चा 12वीं शताब्दी की है, जब इंग्लैंड में हेनरी द्वितीय का शासक था। एक दिन दो हरी त्वचा वाले भाई बहन एक स्थान पर एक छिद्र से बाहर आए। उनके हाथ पैर मनुष्य जैसे थे, पर चमंडी का रंग गहरा हरा था। वे विचित्र रंग के पोशाक पहने थे। वस्त्र किस पदार्थ का बनाया गया था यह अभी जाना जा सकता है। जब वे सुराख से बाहर आए तो बड़े देर तक आश्चर्यजनक चकित हो मैदान में इधर उधर टहल रहे थे। अतः किसानों ने उसे पकड़ लिया और वाइकस के रिसर्च में कैलिनी के घर ले आए। कई महीनों के उपरांत उनका वर्णन बदल गया, वे सामान्य मनुष्य के रंग हो गए। इसी बीच भाई बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। बहन की जीवित रही। बाद में उसने लिन की सम्राट से शादी कर ली। जब लड़की इस दुनिया में पहुंचने का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा कि एक दिन वे दोनों भेड़ चराते हुए एक गुफा के द्वार पर पहुंच गए। जब उसमें प्रवेश किया तो उसने घंटी जैसी अत्यंत सुरीली ध्वनि आती सुनाई पड़ी। इसके उद्गम स्रोत का पता लगाने के लिए वे बड़ी देर तक उस माद में घुसते रहे और अंततः इस विश्व में पहुंच गए। जब उब गई तो पुनः अपने लोक में लौट जाने की इच्छा हुई। उन्होंने गुफा का द्वार खोजना आरंभ किया, पर उसे ढूंढ पाने में सफल ना हो सके और ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिए गए। बालिका का कहना था कि जहां से वो आए थे वहां ना तो यहां जैसी गर्मी है ना प्रकाश, उस लोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य जैसा कोई देवदीप्त पैमांड वहां नहीं है। एक मंद शीतल प्रकाश उस संसार को सदा आलोकित करता है। ओफ्राया यह कहा करती थी कि उसके अपने विश्व के नजदीक ही यहां जैसा प्रकाशवान एक अन्य लोक है, पर दोनों के बीच एक विशाल आगमन नदी है। वैज्ञानिक ऐसे प्रसंगों की विवेचना ब्लैक होल के आधार पर करते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार के संदर्भों के श्याम विवर उपस्थिति की सतर्क संगत और मान्य हो सकती हैं। इससे कम में इनकी वैज्ञानिक मीमांसा संभव नहीं है। विज्ञान विशारद भी ब्लैक होल में फंसे व्यक्ति को लेकर कुछ ऐसे ही अनुमान लगाते हैं कि अंग्रेज भौतिक विद्य और गणितज्ञ प्रो जॉन टेलर लिखते हैं कि श्याम बीवर के अंदर खिंचाव इतना भीषण होता है कि उसमें स्पेशल पतली लंबी गर्दन की सख्त ग्रहण कर लेती है, जिसका दूसरा सिरा उसी अन्य लोगों से जुड़ा हो सकता है। वे कहते हैं कि यदि सचमुच ऐसा होता है तो ब्लैक होल के भीतर का व्यक्ति सुरक्षित बचा रहता है, तो वह उस संकरी गली के माध्यम से किसी बिल्कुल ही पृथक विश्व में पहुंच जाएगा। वहां जीवित रहने पर ही वह किसी भी परिष्कृत यंत्र से अपने लोक से संपर्क स्थापित करने में असफल रहेगा। ऐसी स्थिति में वह अपने यान को पुनः श्याम विवर में पहुंच जाएगा, किंतु उनका इस प्रकार का हर प्रयास निर्थक साबित होगा और प्रत्येक प्रयत्न उसे हर बार एक नई दुनिया में पहुंचा देगा। इस तरह अपने भूल जगत में पहुंचने में कदाचित कभी भी सक्षम ना हो सके। पृथ्वी पर स्थित ब्लैक होल के संबंध में वैज्ञानिक ने एक दल का विश्वास है कि इस प्रकार के अनेक छोटे ब्लैक होल इसके स्थल भाग में स्थित हो सकते हैं, पर किन्हीं कारणों से उनके मुंह बंद रहते हैं और यदा कदा ही खुलते हैं। किंतु जब खुलते हैं तो इसी प्रकार की घटनाएं देखने सुनने को मिलती है। ऐसी यात्राएं प्राचीन समय में सफलतापूर्वक संपन्न की जाती थी। महाभारत में ऐसी तरह के प्रसंग का उल्लेख वर्णन
पर्व की तीर्थ यात्रा प्रकरण में मौजूद है, जिसमें बंदी नामक एक पंडित ने यदा युगजन हेतु विद्वान ब्राह्मणों को एक समुद्र मार्ग से वरुण लोक भेजा गया था। चर्चा यह भी है कि यज्ञ के उपरांत सकुशल पुनः उसी मार्ग से पृथ्वी लोक आ गए थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।